देश हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाता है। ये दिन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। कोरोना महामारी की वजह से खेल पुरस्कारों की बरसों पुरानी परंपरा इस बार टूट गई। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोरोना संकट के कारण इस बार नेशनल स्पोर्ट्स वर्चुअल पुरस्कार तरीके से दिया गया। इस साल 74 खिलाड़ियों को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया, जिसमें 5 को खेल रत्न और 27 को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। 60 खिलाड़ियों ने भारतीय खेल प्राधिकरण के 11 केंद्रों से वर्चुअल समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि दी और प्रतिभाशाली एथलीटों के लिए परिवारों और कोच की सराहना भी की। पीएम मोदी ने अपने ट्विटर पर लिखा, भारत सरकार खेल को लोकप्रिय बनाने और भारत में खेल प्रतिभाओं को समर्थन देने के लिए कई प्रयास कर रही है। मैं सभी से खेल और फिटनेस को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आग्रह करता हूँ। ऐसा करने के कई फायदे हैं। हर कोई खुश और स्वस्थ हो सकता है। वहीं केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद को 115वीं जयंती पर याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में रिजिजू ने ध्यानचंद को याद किया। ब्यूरो रिपोर्ट, INS TV।